बहुत ही सारे यूजर मुझे बार बार कमेंट्स करके पूछ रहे कि क्या हमें RS-99 वाला पेड ब्लॉगिंग कोर्स परचेस करना चाहिए या नहीं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इस कोर्स के बारे में बात करने वाले डिटेल में। आपने कहीं यूट्यूब पे या तो फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि आजकल अब देखिए बहुत ही सारे यूज़र ऐसे हैं जो आपके साथ फ्रॉड करते हैं। इसके फ्रॉड के मतलब ये है कि कोर्स के अंदर कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको सबसे पहले बहुत ही सारे जो सपने दिखाते हैं कि हम आपको लाखोंपति बना देंगे, हम आपको इतनी अर्निंग करवा देंगे, और इसके बाद अगर आप इसका कोर्स परचेस करते हो तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। तो आज का वीडियो देखते रहिए। आज के वीडियो में आपको सब कुछ होनेस्टली बताऊंगा कि क्या आपको ऐसे कोर्स परचेस करने चाहिए या नहीं। तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई पर्सन कहता है जो मार्केटिंग करके कि आप हमारा कोर्स परचेस कर लीजिए, हम आपको लाखोंपति बना देंगे, तब आपको समझ जाना है कि आपको ये कोर्स परचेस नहीं करना है। क्योंकि देखिए अगर ऐसा पॉसिबल होता तो वो खुद ऐसा कोर्स क्यों लॉन्च करता है। बहुत ही सारे यूज़र मुझे बार बार बताते हैं कि आप एक पेड ब्लॉगिंग कोर्स लॉन्च कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार के पेड ब्लॉगिंग कोर्स लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब के अंदर बहुत ही सारे चैनल अवेलेबल हैं, इसके साथ साथ हमारे चैनल के अंदर भी 600 वीडियो अवेलेबल है ब्लॉगिंग के ऊपर। तो आप सभी वीडियो के बारे में देख लीजिए, आपको डिटेल में ब्लॉगिंग समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली किस तरह से SEO करते हैं सब कुछ। तो आपको किसी भी प्रकार के कोर्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं जो पेड ब्लॉगिंग कोर्स की। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा एक कोर्स दिखाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कोर्स के साथ मुझे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, कोर्स के ऑनर के साथ मुझे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो जस्ट मैं मेरे सब्सक्राइबर के लिए बना रहा हूँ क्योंकि ये लोग जो कुछ नया सीख सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने आजकल YouTube के अंदर एक ऐड देखा होगा कि जो एक पेड ब्लॉगिंग कोर्स है इसकी ओरिजिनल प्राइस है 999, लेकिन वो लोग आपको 99 में दे रहे हैं। तो ये कोर्स आपको परचेस करना चाहिए या नहीं, और इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। अब देखिए मेरे ख्याल से अब आप इस कोर्स को परचेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि ये कोर्स के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए इस कोर्स को यहाँ पर जो कोर्स के ओनर ने इसे क्लोज कर दिया है। अब देखिए ऐसा नहीं कि मैं आपको जस्ट कंसेप्ट बताऊंगा, ये मैं आपको सिखाने के लिए और दिखाने के लिए मैंने भी इस कोर्स को 99 में परचेस किया था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको देखा देगा पेमेंट प्रूफ, पेमेंट सक्सेसफुल, और देखिए आपको देखा देगा कोर्स अभी अवेलेबल नहीं है। मुझे लगता है कि कोर्स के अंदर कुछ भी नहीं होगा इसलिए इस कोर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कोर्स को यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए आपको यहाँ पर देखा देगा कोर्स इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, लेकिन मैंने कोर्स यहाँ पर परचेस किया था। अब देखिए आपको देखा देगा पेमेंट आईडी, इसके बाद यहाँ पर आपको डेट वगैरह देखा देगा कब मैंने कोर्स को परचेस किया था। ये जस्ट मैंने वीडियो बनाने के लिए परचेस किया था कि एक्चुअली कोर्स के अंदर क्या है जो यहाँ पर मार्केटिंग करके आपको बताया जाता है कि हम आपको इतनी अर्निंग करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, सब कुछ। तो मैंने सबसे पहले कोर्स परचेस किया। अब देखिए कोर्स के साथ हमें किसी भी प्रकार प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोर्स परचेस करना है तो कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको मैं जो रिजल्ट है वो बताऊँगा कि आपको क्या इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने कोर्स परचेस किया, इसके बाद यहाँ पर आपको देखा देखा जैसा परचेस करते हो तो आपको एक पेज एक्सेस करने को मिलता है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर आपको दिखा देगा इस कोर्स के अंदर कुछ भी नहीं है। अब हम कंपेयर करें यूट्यूब के वीडियो के जो कंपेयर में, तो इस कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाता है 10% ही ब्लॉगिंग किस तरह से करते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो मुझे बताएं कि पेड ब्लॉगिंग कोर्स के अंदर कौन सिखाता है कि पोस्ट टाइटल कैसे लिखें, पोस्ट कैसे लिखें, ये सब कुछ। तो इस कोर्स के अंदर क्या है, आपको यहाँ पर 9 लेसन मिलते हैं, देखिए आपको दिखा देंगे, और इस 9 लेसन के अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको यही सिखाया जाता है कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद डोमेन कैसे लेते हैं, ये वगैरह आपको 9 लेसन के अंदर सिखाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए पेड ब्लॉगिंग कोर्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसके अंदर जो सीक्रेट स्ट्रेटजी है तो है SEO की, वो सब कुछ सिखाया जाता है, नहीं कि इंट्रोडक्शन, इसके बाद वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें। तो ये सब कुछ पैसे देकर सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसके कंपेयर में देखिए अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर जाके एक बार हम जो आप देखोगे सभी वीडियो को, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली SEO क्या है, किस तरह से SEO करते हैं, ब्लॉगिंग क्या है, ये सब कुछ। तो हमारे वीडियो के कंपेयर में जो ये पेड ब्लॉगिंग कोर्स है ये यहाँ पर 10% ही है। इसके कंपेयर में अगर आप हमारे वीडियो देखकर सीखोगे तो आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरा तो आपको एक ही रिकमेंड रहेगा,
तो आप ऐसे पेड ब्लॉगिंग कोर्स कभी परचेज मत कीजिए। अब देखिए, जैसे सभी यूज़र मूवी का रिव्यू करते हैं ऑनेस्टली कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये जो ब्लॉगिंग कोर्स है या तो ऐसे ब्लॉगिंग कोर्स कभी परचेस नहीं करने चाहिए। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, जस्ट मार्केटिंग करके आपके पास से पैसे ले लेते हैं। अब देखिए, मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन दिखाता हूँ। अगर वो आपको बोलते हैं कि हम आपको लाखों की अर्निंग करवाएंगे तो ऐसा होता तो सबसे पहले तो ये कोर्स लॉन्च नहीं करते। इसके बाद आपके मन में होगा कि क्या आप 99 में क्या जाएगा, एक बार टेस्ट तो करते हैं परचेस करके। लेकिन इस केस में क्या होगा, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाता हूँ। अब देखिए, अगर एक पर्सन परचेस करता है 99 में, तो मान लीजिए यहाँ पर तो 3000 लोगों ने कोर्स परचेस कर लिया मार्केटिंग करके, तो यहाँ पर देखिए 3 लाख समथिंग इसकी अर्निंग होगी। लेकिन आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा लेसन, इसके अंदर है ब्लॉग टॉपिक पर बनाए, इसके बाद इंग्लिश ब्लॉग या हिंदी ब्लॉग कंपैरिजन, ब्लॉग सेटअप कैसे करें, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, ये सब कुछ। इसके बाद यहाँ पर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपको कभी ऐसे पेड ब्लॉगिंग कोर्स परचेस नहीं करना है। अब देखिए, इस कोर्स की तो हम बात करें तो ये कोर्स तो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जो आने वाले टाइम के अंदर अगर फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब के अंदर आपको ऐसा कोर्स मिले किसी भी प्रकार का, तो आपको ऐसे कोर्स कभी परचेस नहीं करने हैं, क्योंकि आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता। अब देखिए, ये मेरा होनेस्ट रिव्यू है। अब मैं मुझे कोर्स के साथ किसी भी प्रकार प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको आपकी भलाई के लिए बताना चाहता हूँ कि आपको जो आपको कभी ऐसे पेड ब्लॉगिंग कोर्स परचेस नहीं करने चाहिए। आपको सीखने के लिए आप खुद मेहनत कीजिए या तो YouTube का यूज़ कीजिए। YouTube के अंदर आपको बहुत ही सारे वीडियो मिल जाएंगे ब्लॉगिंग के। तो बस सिंपल वीडियो यहीं तक था। आप कमेंट्स के अंदर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।